नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसेन। दोस्तों आप अगर आयुर्वेदिक के स्टूडेंट और BMS सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको BMS सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर 2013 से लेके 2018 तक के ऑल सब्जेक्ट्स विद लेक्चर्स, जो लेक्चर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च है, इन सारी की नॉलेज एक ही चैनल पर, एक ही जगह आपको इस यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर मिलेगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त और अपने कॉलेजों के साथ शेयर कीजिए। आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, हरियाणा, सब जहाँ पे भी हिंदी भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, उन सभी के लिए ये चैनल इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। रसशास्त्र एवं वैसज कल्पना का सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र वैसज कल्पना, ठीक है। तो मैं 2017 और 2018 के फर्स्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट अब है 2017 का सेकंड पेपर, 2017 सेकंड पेपर, ठीक है। अब मैं 2018 का सेकंड पेपर भी अपलोड करूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम से पहले पेपर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये चैनल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, GMP क्या है, GMP का पूरा नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसज कल्पना में कल्पना शब्द को परिभाषित कीजिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीन है मान के भेद लिखिए, अनुपान का महत्व लिखिए, अवपीड़न रस क्या है, लेप के भेद लिखिए, कवल क्या है, कवल के भेद लिखिए, दारवी रसक्रिया रसांजन निर्माण विधि लिखिए, चंद्रोदय वटी के घटक द्रवों के नाम लिखिए, क्षार सूत्र निर्माण विधि लिखिए, ब्रह्मी ग्रंथ के घटक द्रवों के नाम लिखिए, क्वाथ निर्माण करते समय पात्र के मुख को अच्छेचित नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो गुरु हो जाता है। लवण कल्पना क्या है, लवण कल्पना के दो योगों के नाम लिखिए, पेया क्या है, मसी कल्पना और छाल कल्पना में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, अगर याद है तो आप लिखोगे, नहीं तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 से 21 5-5 अंकों के, उत्तर सीमा 100 शब्द है, वैसज कल्पना के अंतर्गत सूक्ष्म आर्द्र द्रवों के ग्रहण नियमों को स्पष्ट कीजिए, क्षीर कल्पना क्या है, विभिन्न आचार्य के अनुसार क्षीर पाक निर्माण विधि लिखिए, अशोकारिष्ट के घटक द्रवों के नाम व औषधीय मात्रा लिखिए, संजीवनी वटी के घटक द्रवों के नाम और रोग अनुसार औषधीय मात्रा लिखिए, इसने सिद्धि के लक्षण पाक के प्रकार एवं उसके उपयोग लिखिए, नेत्र कल्पों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक है 10-10 नंबरों के, वैसज कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों का, पंचविध कषाय कल्पना को संक्षिप्त में समझाइए, अवलेह कल्पना को परिभाषित कीजिए, च्यवनप्राश अवलेह के घटक द्रवों के नाम निर्माण विधि में औषधीय मात्रा लिखिए, चूर्ण कल्पना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, हिंगाष्टक चूर्ण के घटक द्रवों के नाम व मात्रा तथा अमायिक प्रयोग लिखिए। अब ये 25 क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी हैं, सभी में घटक द्रव तो जो इंपॉर्टेंट टीचर जब क्लास में बोलते हैं कि च्यवनप्राश है, चंद्रदेवटी है, इनके पेया बलेपी मंड, ये सब इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं। तो इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक ये सारे पेपर आपको कवर कराएगा और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताएगा, ठीक है। थैंक यू।